घर की बहू के लिए रिवाज अनकही भाते। भाभी कितना टाइम लगेगा मंदिर चलने में? आ रही हूँ, बस 2 मिनट। रिया जो अभी अभी कुछ दिनों पहले शादी करके ससुराल आई थी, नई शादी तो तैयारी में भी वक्त लगता है। बस तैयार होकर बाहर आई तो छोटी ननद ने ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ सब सही है, बस एक चुनरी ले लो साड़ी के ऊपर। रिया ने सोचा शायद मंदिर जाने पर ओढ़ा जाता है, क्योंकि उसने अपनी शादी से पहले अपने घर में महिलाओं को साड़ी के ऊपर ओढ़नी लिए किसी को नहीं देखा था। जैसे तैसे भारी साड़ी के ऊपर ओढ़नी लिए घर वापस आते ही मन में बहुत सवाल आए, फिर भी खुद को रोक लिया सवाल करने से। जिंदगी सुनहरे सपनों से लग रही थी, साथ में ससुराल के रीति रिवाज के साथ भी सामंजस्य बैठाना पड़ता। रिया हमेशा से पढ़ने और दुनियादारी से दूर रही। फिर एक दिन निमंत्रण आने पर सभी लोग तैयार होकर जाने लगे, तभी ननद ने ओढ़नी दिया कि ओढ़कर जाओ। रिया के सब्र का बांध टूट गया और पूछ लिया, क्या 6 मीटर की साड़ी कम है जो ओढ़नी लिए रहूं? ननद बोली, माँ और गांव की सभी महिलाएं लेती हैं ओढ़नी, यह सभ्य होने की निशानी है। रिया ने सोचा आज ना नहीं किया तो हमेशा ऐसी परंपराओं को जो सिर्फ स्त्री को लेकर ही बनाया जाता है जिंदगी भर ढोना पड़ेगा, और आगे मैं भी इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाऊंगी। मैं भी अपनी बहू को ऐसा कहने को कहूंगी। बस रिया अपनी बात पर अड़ी रही, बिना ओढ़नी के निमंत्रण के साथ हर जगह जाने लगी। कुछ दिनों तक लोगों को बातें बनाने का मौका मिला, लेकिन लोगों को समझ आ गया था कि इंसान के व्यक्तित्व से उसके सभ्य होने का पता लग जाता है, ना कि ओढ़नी से। और आज रिया के ससुराल में ओढ़नी व्यक्तिगत पसंद है, ना कि अनचाहा रिवाज। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।